सब आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। गाइज आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल वीडियो लेकर आई हूँ। गाइज हम सब बच्चों की हाइट को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चों की हाइट अच्छी निकले, वो शॉर्ट हाइट ना हो। हम अक्सर अपने बच्चों की हाइट सेम एज के बच्चों के साथ नापते रहते हैं। मन में डाउट रहता है कि हमारे बच्चों की हाइट सही भी जा रही है या नहीं, या हम हाइट मेजर करते रहते हैं कि बच्चे की हाइट सही निकल रही है या नहीं। हम में से ज़्यादातर पेरेंट्स को नहीं मालूम कि बच्चों में ग्रोथ हार्मोन्स किस टाइम निकलता है, कितना निकलता है और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ग्रोथ हार्मोन की पूरी डिटेल बताने वाली हूँ और साथ ही ये भी बताने वाली हूँ कि बच्चे की सही हाइट निकले इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अगर आप इस ओर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आपके बेबी की हाइट बहुत ही अच्छी निकलेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रेगुलर नॉलेजेबल वीडियो बनाती हूँ। वीडियो हेल्पफुल रहे तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं सांझा ज्ञान चैनल। सब्सक्राइब कीजिए सांझा ज्ञान चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन हेल्थ टिप्स की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि बच्चे की ग्रोथ किस एज में सबसे ज्यादा होती है। ग्रोथ के दो क्रिटिकल पीरियड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, इन्फेंसी। लाइफ के पहले दो साल को क्रिटिकल इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें बच्चे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे दिल, दिमाग, लीवर, पेट, किडनी ग्रो करते हैं, साथ ही हाइट और वेट भी बढ़ता है। हाइट बर्थ के टाइम जितनी थी पहले साल में 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट बर्थ के टाइम का डबल वेट 4 से 5 मंथ में और 3 गुना पहले साल में होना चाहिए। नंबर टू, एडोलेसेंस। ग्रोथ का दूसरा क्रिटिकल पीरियड एडोलेसेंस होता है या टीनेज भी बोल सकते हैं। इस पीरियड में सारे इंटरनल ऑर्गन्स का फाइनल डेवलपमेंट होता है। इस पीरियड में हाइट और वेट दोनों इंक्रीज होते हैं, बल्कि ज़्यादातर बच्चे टीन एज के एंड तक अपनी अडल्ट हाइट अचीव कर लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन माइंड के एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है जिसका मेन काम है बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट करना। आइए देखते हैं कि ग्रोथ होती कैसे है। ये हार्मोन हमारे शरीर में प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ा देता है और बॉडी में छिपे हुए फैट को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है जिससे सेल्स को एनर्जी मिलती है और वो ग्रो करते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट के अलावा इस हार्मोन के और भी बहुत सारे काम होते हैं। नंबर वन, फिजिकल परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है। नंबर टू, सेल्स और टिश्यूज की रिपेयर करता है। नंबर थ्री, जब सेल्स और टिश्यूज की रिपेयर करता है तो इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि बॉडी में कहीं कोई इंजरी होती है तो वो भी ठीक हो जाती है। नंबर फोर, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा देता है तो इसीलिए मसल्स को स्ट्रांग बना देता है और स्ट्रेंथ देता है। क्योंकि ये फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो ये एक्स्ट्रा फैट को बॉडी से रिड्यूस करता है और बॉडी को अच्छे शेप देता है। आइए देखते हैं कि ग्रोथ हार्मोन बॉडी में कब और कितना निकलता है। ग्रोथ हार्मोन बॉडी में डेली 1 से 2 मिलीग्राम निकलता है। चाइल्डहुड में ज़्यादा निकलता है, खासकर जब बच्चे का ग्रोथ स्पर्ट होता है, मतलब पुबर्टी के टाइम निकलता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग 75% ग्रोथ हार्मोन सोने के समय रिलीज होता है। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ग्रोथ हार्मोन को इफेक्ट करती हैं। नंबर वन, स्लीप। स्लीप के समय ग्रोथ हार्मोन निकलता है, तो स्लीप और ग्रोथ हार्मोन का डायरेक्ट कनेक्शन है। जब हम सोते नहीं हैं, स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, तो ग्रोथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता ही नहीं है। नंबर टू, एक्सरसाइज। ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। नंबर थ्री, डाइट। डाइट की बात करें तो एक ही चीज है जो ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम करती है, वो है इंसुलिन, यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो शुगर। इसलिए डायबिटीज वाले पेशेंट में ग्रोथ हार्मोन बहुत ही कम मात्रा में रिलीज होता है। आइए देखते हैं कि किड्स में ग्रोथ हार्मोन का लेवल प्रॉपर रखने के लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर वन, स्लीप। जैसे कि मैंने अभी बताया, जितनी अच्छी और गहरी नींद होगी उतना ही ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, तो बच्चों को ज़्यादा देर तक जागने मत दीजिए। आप भले ही देर से सोएं बट बच्चों को किसी भी तरह थोड़ा जल्दी सुलाएं और बच्चों को कम से कम 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद दिलाएं। नंबर टू, फिजिकल एक्टिविटी।
बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा कराएं, बच्चा जितना दौड़ेगा भागेगा ग्रोथ हार्मोन उतना ही रिलीज होगा। नंबर 3 डाइट। जब बच्चे का ग्रोथ स्पर्ट चल रहा हो तो उस टाइम बच्चों को मीठे से थोड़ा दूर रखें, और सबसे ज्यादा शुगर लेवल फास्ट फूड से बढ़ती है तो इसलिए फास्ट फूड बच्चों को थोड़ा कम खाने के लिए दें। रात में बच्चों को पेट भर खाना ना खिलाएं, मतलब सोने से एटलीस्ट 3 घंटे पहले खाना खिलाएं। उससे 2 बेनिफिट्स मिलेंगे, एक तो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, दूसरा ये है कि जो भी हम खाते हैं उसमें से 70-80% तक कार्ब्स होते हैं। कार्ब्स यानी इंसुलिन, और इंसुलिन तो ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम करता है। इंसुलिन बॉडी में ज़्यादा रहेगा तो सोते समय ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होगा। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।